81 82 83 83 83 83 बढ़ जा पूरा खींच दिया भाई, पूरा खींच दिया भाई। ये देखो टॉप स्पीड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप देख रहे हो हमारे सामने है ये TVS की जुपिटर 110 cc कनेक्टेड लाइट वाला जो नया वाला स्कूटर आया ना, वो स्कूटर प्रेजेंट है। और आज के इस वीडियो में ना इसका मैं राइड रिव्यू करूंगा और आपको माइलेज भी बताने वाला हूं। खैर, माइलेज वाला जो वीडियो है वो हमारे इसके आगे वाले वीडियो में आएगा। अभी मैंने इसके टैंक को फुल कराया है। यहाँ पे 250 किलोमीटर से स्टार्ट करा था, 250 किलोमीटर से स्टार्ट करा था, टैंक को फुल करा दिया है और दोबारा से इसको हम लोग चला रहे हैं। चलाने के बाद देखते हैं, फिर से पेट्रोल लेंगे एक बार, इसको कम से कम 30-40-50 किलोमीटर चला लेंगे। 50 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें दोबारा से इसको फुल कराएंगे और फुल कराने के बाद देखते हैं कि ये माइलेज कितना देती है। लेकिन आज के ये वीडियो में ना प्रॉपर मैं इसका राइड रिव्यू शेयर करूंगा भाई। मुझे लिए हुए अभी ये करीब 6 सितंबर को मैंने लिया था, आज करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस स्कूटर को लिए हुए। तो 10 से 12 दिन में मुझे बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिल रही है। मतलब यार, मैं शुरू में तो सोच रहा था कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो है उन्हें वो गलत बता रहे हैं या फिर ऐसे वैसे, लेकिन भाई पर्सनली जब मैं इस स्कूटर को लिया ना, तो मुझे आज सुबह जब मैं मॉर्निंग राइड पर निकला तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई वो मैं भी आगे बताता हूँ और देखता हूँ कि वो शायद पेट्रोल के वजह से हो रहा था या फिर गाड़ी में कोई टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि इसी के वजह से मैंने तेल लिया। पहले से हम मेरे गाड़ी में लगभग आधा लीटर से ज़्यादा तेल था, तो अचानक से हो क्या रहा था कि ये बंद हो जा रहा था। स्पीड चलता कभी कभी ये बंद हो जाता, तो फिर मैंने अभी इसको फुल करा लिया है। अब फुल कराने के बाद देखते हैं कि ओवरऑल ये कितना माइलेज देती है, और दूसरा चीज़ कि अब ये बंद होता है या नहीं। अगर बंद होगा तब तो जान जाएंगे कि चलो मेरा गलती था, पेट्रोल नहीं था इसमें उतना, और अगर बंद नहीं हुआ तो फिर आज डीलरशिप के पास सर्विस स्टेशन में भी ले जाएंगे। तो खैर कोई नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट द राइड। सबसे पहले यार मुझे ना इसका इंजन, 110 सीसी का इंजन है, जबकि कंपनी यहाँ पे आपको 113 सीसी देती है। बोलता है 110 है लेकिन 113 सीसी का इसका इंजन मिलता है, जो कि आपको मैक्सिमम पावर 8.02 पीएस का प्रोड्यूस करता है और 9.8 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। तो टॉर्क और पावर तो अच्छा है, जिन लोगों को थोड़ा पावरफुल स्कूटर चाहिए था ना, उन लोगों के लिए ये TVS जुपिटर अच्छा है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम मुझे क्या देखने को मिली ना, अभी मैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। होता क्या है इस स्कूटर में ना, कि आप जैसे ही थोड़ा सा इसके एस्केलेटर को खींचते हो ना, तो ये भाई आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा करता है। और वही चीज़ में होंडा में देखा ना, तो होंडा में स्टार्टिंग में आवाज़ थोड़ा कम करता है, लेकिन फीचर्स वाइज मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ़ीचर्स इसमें बहुत सारे हैं, इंटेलिगो फीचर्स है। जैसे कहीं ट्रैफिक में मेरा स्कूटर बंद हो जाता है ना, तो मुझे दोबारा से सेल्फ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये ब्रेक को प्रेस करते हैं और एक बार एस्केलेटर को थोड़ा सा लेते हैं तो ये जो स्कूटर है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। चलिए अभी दिखाते हैं टॉप स्पीड इसका कितना जाएगा, चलने में कैसा है, कम्फर्टेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें अभी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी तक आप देखोगे 49 के स्पीड में, 50 के स्पीड में हूँ। स्कूटर चलने में अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, बस आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर रही है। तो जैसा कि सुना हूँ मैं कि TVS का ये कोई भी स्कूटर आप परचेज करोगे तो ये थोड़ा सा आवाज़ भैया करता ही करता है। तो कोई नहीं, आवाज़ उतना कोई खास ज़्यादा भी नहीं। अब इसके स्केलेटर को छोड़ के देखते हैं गाड़ी बंद होता है या नहीं। ये देखना, नहीं हुआ बंद भाई, लगता है मेरे पेट्रोल में ही इशू था। मेरे गाड़ी में जो है ना, क्योंकि BS6 गाड़ी है, अब BS6 गाड़ी में होता क्या है कि आपको भाई आधा लीटर से एक लीटर पेट्रोल हमेशा रखना है, तो इसमें मैंने पेट्रोल रखा नहीं था उतना, तो ये बंद हो जा रही थी। मतलब ये मुझे इंडिकेट कर रही थी कि भैया आप तेल ले लो, नहीं तो आप कहीं फंस जाओगे। तो ये अच्छा लगा फीचर्स, बट हाँ शुरू में किसी को परेशानी भी हो सकता है। जो लोगों को ये नहीं पता है तो वो लोग सोचेंगे कि भैया TVS वालों ने तो मुझे ठग दिया। अब देखिएगा इसका पावर हम लोग चेक करते हैं कितना ये टॉप स्पीड जाता है, और मैं विद पिलियन के साथ हूँ, पिलियन को भी मैं बैठाया हूँ पीछे, तो पिलियन के साथ हूँ और पिलियन के साथ होने पर देखते हैं कि इसका कैसा कम्फर्ट है। रे बाबा, ये चेक करवा, देख रहे हो अच्छा भाग रही है, 64 65 68 69,
कंपनी इसका जो टॉप स्पीड है ना वो 82 क्लेम करती है। आज इसके टॉप स्पीड को भी खींचते हैं, देखते हैं ये कितना टॉप स्पीड जाती है। सारी चीज़ें दिखाएंगे, ब्रेकिंग दिखाएंगे, ब्रेकिंग इसका कैसा है, क्योंकि मैंने डिस्क ब्रेक परचेज नहीं किया है, मैंने ड्रम ब्रेक परचेज किया है। तो मैं ड्रम ब्रेक क्यों लिया, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। क्योंकि भाई ड्रम ब्रेक में मुझे किक मिल रहा था, किक लीवर, और बहुत लोग कहते हैं कि भैया डिस्क लेकर किक शोरूम से एक्स्ट्रा पैसे देकर लगवा लेंगे तो लग जाएगा। तो भाई जो चीज़ कंपनी फिटेड होता है ना वो अच्छा होता है, आफ्टर मार्केट जो चीज़ कराओगे ना तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। किक तो मान के चलिए चाहोगे तो इंसान से बड़ा क्या चीज़ है, फिट तो हो ही जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये चीज़ें हैं। अभी इसका देखिए टॉप स्पीड निकालते हैं, कोशिश करते हैं ले जाने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड भी जो देख रहे हो ना ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाला रोड है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट कोई नहीं, जैसे ही मुझे लगे कि टॉप स्पीड ले जाना चाहिए, खाली रोड है तो मैं टॉप स्पीड आपको ले जा रहा हूँ। ये चलो कोशिश करता हूँ मैं यहीं पर टॉप स्पीड ले जाने का, देखते रहना। इसका जो टॉप स्पीड है वो देखते हैं, कंपनी 82 क्लेम करती है और यहाँ पर मैं 67 तक ले आ चुका हूँ। 71 72 73। आप भाई यहाँ चेकआउट करना, मैं आगे स्कूटर चलाने पर ध्यान देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसका टॉप स्पीड, देखते रहना भाई आप, देखते रहना। 72 तक तो ले ही गया था, 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 हो जा रहा भाई, हो जा 81 81 82 83 83 83 83। बढ़ जा, पूरा खींच दिया भाई। ये देखो टॉप स्पीड इसका 84 84 84 84। आ जा बढ़ जा रे बापा। 83 84 पे चल रहा भाई, 83 84 83 84 ब्लिंक कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ना। तो ये 84 84 84, पढ़ जा। नहीं भाई साहब, 84 से आगे ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बिठाया है पिलियन को और ये जो मेरा राइड है पिलियन के साथ है, तो गाड़ी का जो कर्व वेट है ना वो आपको लगभग इसका जो कर्व वेट है 105 केजी है, और मैंने इस पे लोड करके रखा है भैया 70 केजी मेरा वेट है, 75 केजी मेरा वेट है, और मैंने अपनी बहन को बैठा के रखा है तो उसका जो वेट लगभग 50 केजी के आसपास है। तो 125 केजी इस पे अभी लोड भी है, कर्व वेट 105 केजी। तो इंजन का जो पावर है ना वो 113 सीसी का है, 113 सीसी पे हमने जो लोड दे रखा है ना लगभग 250 केजी का लोड दे रखा है। अब 110 सीसी का इंजन, 113 सीसी का सॉरी इंजन है, 250 केजी वेट लेकर अगर 84 का स्पीड जा रही है तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा स्पीड है इसका, ठीक है। चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और एक बार मैं इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखना आगे का ब्रेक लिया, वैसा कुछ हॉचपॉच टाइप से नहीं लगा कि मुझे ब्रेकिंग में कोई खास ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है, ठीक है। तो एक बार चलिए, अभी हमारा स्कूटर भी ऑन है, और एक बार मैं देखता हूँ यार, मुझे माइलेज थोड़ा गंदा मिला पिछली बार से। जब मैंने परचेज़ किया था तो 36 km/h का माइलेज मिल रहा था, लेकिन यार परसों ही मैंने 110 का तेल लिया था और आज मुझे माइलेज जो है ना अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि मैं भाई किलोमीटर देख के ले रहा हूँ तेल, क्योंकि अभी हमें माइलेज टेस्ट करना है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्कूटर है ना ये 36 से भी कम दे रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा दुख होता है कि भाई यार ये स्कूटर 110 सीसी की, इससे अच्छा तो अगर मैं होंडा ले लेता तो होंडा खैर अच्छा खासा माइलेज देता है। बट कोई नहीं, बस जैसा सुना हूँ कि फर्स्ट सर्विस के बाद ये माइलेज इंक्रीज करेगी, तो देखते हैं क्या सीन होता है। यार ये लॉगआउट हो गया, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड करते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे, देख लो भाई, जिन लोगों को ब्लूटूथ कनेक्ट करने नहीं आता उन लोगों के लिए है ये असिस्ट रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा, मैसेज के बाद ये ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं
चलाने में अच्छा है। ओवरऑल मैंने 257.7 किलोमीटर इसको चला दिया है। 250 पे स्टार्ट किया था राइड, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो माइलेज वाला डालूंगा ना उसमें 250 से ही शो करूंगा, बट वहां पे मैंने क्लिप नहीं ले पाया है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देखेंगे वो माइलेज का भी देखेंगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा कि हाँ 250 पे मैंने तेल लिया है। HTTP 417, ये क्या रहा भाई, ये ऐप साला थोड़ा स्लो काम करता है यार, ये जो ऐप है ना वो थोड़ा स्लो काम करता है। ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता तो अभी मज़ा आ जाता। अभी आपको मैं सारी चीज़ें ब्लूटूथ का भी दिखा देता। मतलब यार ये जो एक चीज़ है ना, जितना कंपनी हाइप बनाती है ना ये वो, अगर साला उस पर अच्छे से वर्क करती ना कि हाँ एकदम कनेक्ट हो ही जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इसका सेल्स और ज़्यादा बढ़ता। लेकिन इन लोग का क्या है कि ये स्मार्ट कनेक्ट लिख देता है, ये फीचर्स वो फीचर्स, और साला आम आदमी के जीवन में ये काम ही नहीं करता। खुद यार देखो ना, मेरा ही काम नहीं कर रहा, क्या ही बोलूँ मैं, ये काम ही नहीं कर रहा। अभी मैं सोचा कि आपको चलो दिखा देता हूँ इसका राइड रिव्यू करके, तो राइड रिव्यू तो पहले मैं तो निकल गया, चलाने में अच्छा लग रहा है, बट मेन जो इश्यूज़ है ना इसका माइलेज, यार माइलेज बहुत गंदा माइलेज दे रहा, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इतना माइलेज, क्या माइलेज है ये। 36 किलोमीटर दे रहा था मैं, चलो ठीक है भाई 36 दे रहा तो स्टार्टिंग है, फर्स्ट सर्विस कराएंगे तो जरूरी है 45-48 हो जाएगा। लेकिन साला यहाँ पे अब इसमें हो क्या रहा है कि इस बार लगता है मुझे 36 से भी कम माइलेज दे रहा है। 36 से भी जो है ना, अब देखो एक ये इनका ऐप है, ये तो और नहीं खुलता है, पहले तो ओपन भी हो जाता था, अभी ये ओपन भी नहीं हो रहा। अभी एक बार फिर से मैं TVS कनेक्ट ऐप यूज़ करता हूँ, देखते हैं कनेक्ट करके खुलता है या नहीं। हाँ एक चीज़ है, इसका जो लेगरूम का एरिया है ना ये स्पेशियस है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले से 4 mm इसके बढ़ा दिया गया है। अब बहुत लोग कहते थे कि सिलेंडर वलेंडर आएगा या नहीं, तो वो आ जाएगा भाई, उसकी टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने खुद यूज़ करा है, सिलेंडर लाया था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। अब देखिए एक बार फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। मतलब यार हमारे इन्फ्लुएंसर भाई भी अजीब होते हैं ना, लॉन्चिंग के दिन जाते हैं तो उन्हें स्कूटर मिल जाता है, हर चीज़ पॉजिटिव एक बार दिखा देते हैं, डेली यूजर्स करके बताते नहीं हैं, और उसी पे हमारे ऑडियंस जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बुरा सच है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो मैंने भी तो यार 1,04,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। 1,04,000 रुपये अगर बंदा खर्चा करता है तो उसको सारी फीचर्स चाहिए होती है जो आपने बताया है। अब आपने जो बताया है वो वर्क ही नहीं करेगा तो फिर ये लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ, ना तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। बस ये है कि ब्रेकिंग अच्छा है, देखो यहाँ पे आप देखते हैं बंद होता है या नहीं बंद हुआ। हाँ एक चीज़ तो था, जो स्कूटर पहले से बंद हो रहा था वो मेरा भाई तेल की वजह से बंद हो रहा था, उसमें लगता है मेरा तेल कम था इसके चलते स्कूटर बंद हो रहा था, समझी शिल्पी। अभी जो गाड़ी बंद हो रहा था बार बार वो तेल की वजह से हो रहा था। हाँ नहीं, जबकि तेल हम परसों ही लिए थे तो तेल 110 का लिए थे, तो उस हिसाब से 36 किलोमीटर का माइलेज देना चाहिए था ना, तो 36 का माइलेज नहीं दे रहा है ये, हमको लगता है 36 से भी कम हो गया। वही तो देख रहे, ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, देखो ना TVS का ऐप भी साला घटिया निकल गया आज, ब्लूटूथ ही नहीं कनेक्ट हो रहा है भाई। कोई नहीं, देखता हूँ मैं, जब भी कनेक्ट होगा तो मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, बताता हूँ, अभी तो फ़िलहाल ये नहीं कनेक्ट हो रहा है, खैर छोड़िए। हाँ एक चीज़ ना इसमें मुझे अच्छा क्या लगा, चलाने में अच्छा लगा, और दूसरा चीज़ ये दिखने में इलेक्ट्रिक के जैसा है। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे जब मैं ये नया परचेज़ किया था, तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए हो क्या, तो मैं उन्हें बोला कि नहीं यार ये पेट्रोल वाला है, तो दिखने में तो इलेक्ट्रिक जैसा ही है, बट पावर एंड पिकअप जो है वो अच्छा है। मतलब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को माइलेज से उतना कोई खास मतलब नहीं है ना, वो इस स्कूटर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पावर और पिकअप जो है वो अच्छा है इस स्कूटर का। लेकिन अब हम लोग जैसे लोग जो थोड़ा माइलेज वाइलेज चाहिए ना, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। और अभी मैं ये 100% भी नहीं कह सकता हूँ जब से मैं इसका फर्स्ट सर्विस नहीं करा लूँ, और फर्स्ट सर्विस अभी करा भी नहीं सकता क्योंकि अभी तक ये स्कूटर 260 किलोमीटर ही ओनली चला है। तो 260 किलोमीटर में मैं क्या ही बोलूँगा आपको कि कितना मैं ये कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। अभी फर्स्ट सर्विस करा लेते हैं, उसके बाद से फिर इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। बाकी चलाने में जो है ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, बट ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है यार कि ब्लूटूथ इसका बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर साला कभी कनेक्ट ही नहीं होता। अभी देख रहे हो ना, मैं नंबर डालकर OTP आ रहा है, OTP ही नहीं आ रहा है, जबकि मेरा फ़ोन भी रिचार्ज है। तो कभी कभी है ना इसका जो टेक्निकल ग्लीचेज है ना वो काम नहीं करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है इसका राइड रिव्यू। अब आपको कैसा लगा ये TVS जुपिटर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो भाई जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे आप देखे होगे 250 किलोमीटर्स पे मैंने इसके टैंक को फुल कराया था, और अभी मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। तो गाँव का मेरा जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर्स है, तो 40 किलोमीटर्स चलाने के बाद दोबारा से मैं इसको रिफ्यूल कराऊँगा, और रिफ्यूल कराने के बाद इसका मैं एक्चुअल माइलेज आज देखता हूँ, क्योंकि ये ऐप वैप पर भरोसा उठ गया भाई। ऐप पे तो 36 दिखा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि 36 भी नहीं दे रहा है। तो माइलेज का एग्जैक्ट आपको वीडियो चाहिए ना कि कितना माइलेज दे रहा है ये मेरा TVS जुपिटर, तो आप हमारे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, शाम 7 बजे हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपको आज का ये राइड रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करके बताऊँगा कि कैसा लगा हमको ये स्कूटर, कैसा चलाने में है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।